रामनवमी का मौका है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के लिए इस मौके को सबसे खास बनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जाहिर है कि रामलला की अवध नगरी में भव्य आयोजन का इंतजाम है। चाहे डीजल शो हो या सजावट, हर चीज को भव्य बनाने की कोशिश की गई है। वहीं भक्तों की बात की जाए तो उनका तो हुजूम अवध नगरी में उमड़ पड़ा है। भक्तों की भारी भीड़ अयोध्या पहुंच रही है और सरयू नदी में स्नान कर रामलला के दिव्य रूप का दर्शन कर रही है। कोई अपने सिर पर चरण पादुका लेकर रामलला की नगरी में पहुंचा है तो कोई आंखों में आस्था लिए। लोग बेहद उत्साहित दिख रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, इस बारे में सुनिए। व्यवस्थाएं पहले से ही हैं, जोन और सेक्टर्स में सभी एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमारे वॉलंटियर्स भी हैं और साथ साथ में फोर्स मल्टीप्लायर भी, और लगातार जो लोगों के आने का क्रम है वो बरकरार है। रात में ही बहुत सारे लोग घाट के आसपास ठहरे हुए थे, उन सबके स्नान की कार्रवाई 2 बजे से ही चल रही है और अब यहाँ के वास्ते सभी के दर्शन की कार्रवाइयाँ चल रही है। मंदिर में 3:30 बजे राम मंदिर में दर्शन स्टार्ट हो गया है और सभी कार्रवाइयाँ सुगमता पूर्वक चल रही है। सर, रूट डाइवर्जन के लिए क्या कुछ है? रूट डाइवर्जन पहले से थे, जो भारी वाहन है ट्रक इत्यादि वो इस पर ना करके सीधे सीधे, क्योंकि हमारे पास पूर्वांचल एक्सप्रेस बना हुआ है उसके माध्यम से जा रहे हैं। कहीं किसी को रोकने की बात नहीं है, सीधे सीधे सुव्यवस्थित रूप से उनके भारी वाहन जा सकें व्यवस्था की गई है। बाकी जो हमारे तीर्थ यात्री हैं वो लगातार भारी संख्या में आ रहे हैं और उनका स्वागत करके आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। रामनगरी में प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज रामनवमी के दिन दोपहर के समय सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी और दर्पण व लेंस से जुड़े एक विस्तृत तंत्र द्वारा प्रभु श्री रामलला का सूर्य तिलक संभव हो रहा है। इस क्षण के लिए भक्त बेहद उत्साहित हैं